प्रदेश में मणिपुर की घटना दोबारा न घटे। महाराष्ट्र में जो फायरिंग की गई जिसमें हम गए थे, तीनों को एक एक लाख रुपया दिए, और न मरे। मुद्दा है गुरुग्राम में मस्जिद मंदिर में ढूंढ के मौलाना को जला दिया, वहाँ किसी ने नहीं किया। 3-3 लाख रुपया तीनों की बच्ची को जाके दे दिया है। मुद्दा महंगाई का, मुद्दा बेरोजगारी का, मुद्दा नफरत को खत्म करने का। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसाइड्स। जब से महागठबंधन का नाम इंडिया पड़ा है, तब से संयोजक कौन बनेगा इस पर खूब राजनीति हो रही है। हालांकि कहा गया है कि मुंबई में होने वाली बैठक में ये तय किया जाएगा कि इंडिया का संयोजक कौन बनेगा। ऐसे में मधेपुरा पहुंचे पप्पू यादव से जब पूछा गया कि इंडिया का संयोजक क्या लालू प्रसाद यादव बनेंगे, साथ ही उनसे जब ये पूछा गया कि आप कब इंडिया का हिस्सा हो रहे हैं, आप कब महागठबंधन में शामिल हो रहे हैं, तो उस पर भी उन्होंने जवाब दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, वो आप सुने। मुद्दा इस इंडिया के संविधान को प्रोटेक्ट करने का, मुद्दा इस देश के डेमोक्रेसी को बचाने का है। मुद्दा इस देश में मणिपुर की घटना दोबारा न घटे। महाराष्ट्र में जो फायरिंग की गई जिसमें हम गए थे, तीनों को एक एक लाख रुपया दिए, वो न मरे। मुद्दा है गुरुग्राम में मस्जिद मंदिर में ढूंढ के मौलाना को जला देना, वहाँ किसी ने नहीं किया। 3-3 लाख रुपया तीनों की बच्ची को जाके दे गया है। मुद्दा महंगाई का, मुद्दा बेरोजगारी का है, मुद्दा नफरत को ख़त्म करने का है, मुद्दा संयोजक का कोई मैटर ही नहीं है। कांग्रेस ने पहले ही कह दिया कि पीएम हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, कंट्री महत्वपूर्ण है। और राहुल गांधी ने कल कह दिया मेरा हर घर घर, इंडिया मेरा घर है, इंडिया के हर घर मेरे घर है। कोई कांग्रेस ने बड़ा उदार दिल दिखाया है, अरविंद केजरीवाल, ममता दीदी सबका, वहाँ आगे देखिएगा, महाराष्ट्र में आप देखिएगा। तो जो नीतीश कुमार ने जिन चीज़ों की शुरुआत की थी राहुल गांधी से मिल पाया, राहुल गांधी ने जिस तरीके से नीतीश कुमार जी को आगे करके बड़े बड़ा दिल दिखाया, और अब नीतीश जी, लालू यादव जी सब लोग मिल करके इसको बड़े रूप में देने के जो आकार हैं, इसलिए कौन बनेगा संयोजक, कौन बनेगा पीएम, ये मुद्दा इस कंट्री में 2024 में नफरत को कैसे ख़त्म किया जाए और हिस्ट्री जो हमारी इंडिया की गायब हो रही है उसको कैसे सेव किया जाए, संविधान को, इनको कैसे सेव किया जाए, मैटर ये है। मैटर अब व्यक्ति रहा ही नहीं, व्यक्ति से बहुत ऊपर चल जा चुका है। पहले देश के 140 करोड़ लोग, तब कोई व्यक्ति। पप्पू यादव आखिर कब तक महागठबंधन की आशा देखते हैं? अब पप्पू यादव के बारे में आप क्यों बेचैन हैं? पप्पू यादव की लड़ाई मुजफ्फरपुर की है, ईसा सिंह को लेकर के है। पप्पू यादव की लड़ाई खुशी पासवान को मार दिया उसको लेके है। पुलिस फायरिंग में 3-3 लोग को, खुर्शीद को, मुर्शीद को और सोनू शाह को मार दिया उसको लेकर के है। मेरी लड़ाई इंसानियत को सेव करने की, कब गठबंधन लेगा कब नहीं लेगा ये उनकी जिम्मेदारी। मैं अपने कामों पर, कर्म पर मैं खड़ा हूँ और अपने कर्तव्यों से मैं विमुख नहीं होता हूँ। मेरे लिए मुद्दा बिहार के 13.5 करोड़ जनता है, पप्पू यादव नहीं है। आप चिंता ना करिए, कोशी सीमांचल पुनः एक बार बिहार और देश को राह दिखाएगा, मैं इस प्रयास में लगा हूँ। तो आपने जो आप सुप्रीमो पप्पू यादव को सुना, जिन्होंने कहा है कि अभी जो कौन इंसान संयोजक बनेगा इस पर कुछ भी कहना संभव नहीं है, ये अभी मायने नहीं रखता है। जो उन्होंने मणिपुर की हिंसा के बारे में बात की, जो गुरुग्राम में हिंसा हुई इस पर बात की, साथ ही जब उनसे ये भी पूछा गया कि आप कब महागठबंधन का हिस्सा बनेंगे, तो वो सीधे तौर पर कुछ भी कहने से भी कतरा रहे थे। तो फिलहाल इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।